और गर्भवती महिलाओं के साथ भी यही होता है कि ये जो टॉक्सिन होता है महिलाओं को कम। प्रेगनेंसी के दौरान शहद के सेवन को लेकर अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि क्या प्रेगनेंसी में शहद का सेवन किया जा सकता है या नहीं, देखिए दोस्तों आपको पता ही है कि शहद जो होता है एक बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक खाद्य पदार्थ होता है और ये चीनी का एक स्वस्थ विकल्प होता है। बच्चे से लेके बूढ़ों तक को शहद खाने की सलाह दी जाती है कि शहद खाइए, इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। लेकिन क्या प्रेग्नेंट महिलाओं को शहद का सेवन करना है या नहीं, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जानने के लिए हमारा ये वीडियो दोस्तों पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन में इस नई वीडियो के साथ। इस वीडियो से रिलेटेड दोस्तों अगर आपके कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो वीडियो पब्लिश होने के 24 घंटे के भीतर अगर आप मुझसे सवाल जवाब करेंगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अगर आप फास्ट रिप्लाई चाहती हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकती हैं जिसका आईडी जस्ट वीडियो के आगे आपको फ्लैश हो रहा है। तो चलिए आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान दोस्तों शहद खाना सुरक्षित होता है, लेकिन फिर भी जब भी आप अपने डॉक्टर विजिट पे जा रहे हो तो एक बार अपने डॉक्टर से शहद के सेवन के संबंध में बात जरूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो प्रेगनेंसी में शहद खाना बिल्कुल सुरक्षित होता है, लेकिन दोस्तों इसमें एक ही दिक्कत होती है, वो ये कि इससे जो है शरीर में बॉटुलिज्म नाम का एक टॉक्सिन बन जाता है। हालांकि ये जो टॉक्सिन होता है एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ही प्रभावित करता है। वयस्कों के पेट में दोस्तों कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बॉटुलिनम नामक टॉक्सिन से आपको बचाता है, और गर्भवती महिलाओं के साथ भी यही होता है कि ये जो टॉक्सिन होता है महिलाओं को कम प्रभावित करता है या नहीं करता है। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर आपको क्या करना है, आपको शहद वही चुनना है जो पॉस्चराइज हो। पॉस्चराइज शहद आप प्रेगनेंसी के दौरान खाएंगे तो आपके लिए सेफ होगा, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपका जो शहद है वो पॉस्चराइज होना चाहिए, तो प्रेगनेंसी में शहद खाना सुरक्षित होता है। शहद में दोस्तों ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मेल्टोज जैसे शुगर भी उच्च मात्रा में होते हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान दोस्तों शहद अगर आप लेती हैं तो इससे आपको अच्छी कैलोरी मिलती है। प्रेगनेंसी में महिला को अतिरिक्त 300 कैलोरी की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आप एक दिन में 2 से लेकर 3 चम्मच शहद खा लेती हैं तो ये आपके लिए नॉर्मल होता है। इससे अधिक का सेवन करेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है, तो आप एक दिन में 2 से 3 चम्मच शहद का सेवन कर सकती हैं। शहद के दोस्तों फायदे भी आपको प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे मिलते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जैसे कि महिलाओं का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, ऐसे में अगर आप शहद का सेवन करेंगे तो ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को इस दौरान बढ़ाते हैं। अगर आपको इस दौरान सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है तो ऐसे में भी आप शहद का सेवन कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कई हार्मोनल चेंजेस के चलते कई गर्भवती महिलाओं को अनिद्रा रहती है, रात को नींद अच्छे से नहीं आती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे में आप दूध के साथ रात्रि को शहद का सेवन करेंगी तो ये आपको अच्छी नींद दिलवाएगा और साथ ही आपका स्ट्रेस कम करने में भी काफी ज्यादा मददगार होता है। देखिए दोस्तों, हर चीज के कुछ फायदे और नुकसान होते हैं। नुकसान तभी होते हैं जब आप इसको लिमिट से अधिक ले लेते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान शहद ज्यादा मात्रा में खा लेती हैं तो इसके कुछ नुकसान भी आपको झेलने पड़ सकते हैं, जैसे कि आपको सूजन, ऐंठन की समस्या हो सकती है, पेट फूलना जैसी समस्या हो सकती है, आपको इस दौरान डायरिया और दस्त की समस्या रह सकती है। और इतना ही नहीं, इस दौरान आपका बेवजह का वजन भी बढ़ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको बहुत अधिक शहद का सेवन नहीं करना है। इसको किस तरीके से आपको सेवन में लेना है, देखिए जैसा मैंने बताया आप इसे दूध में ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आप इसे गर्म पानी के साथ ना पिए, आप इसे गुनगुने पानी के साथ पियेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप गर्म पानी या गर्म दूध के साथ इसका सेवन करती हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचाता है। तो आई होप दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि प्रेगनेंसी में शहद आप खा सकती हैं या नहीं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, पेज में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।